नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। आगरा में एक ऐसा प्रसिद्ध मंदिर है जहां पर उस समय के बादशाह अकबर ने भी इस मंदिर की चौखट पर अपना सर झुकाया था। मंदिर के बारे में कई कहानियां ऐसी फेमस हैं जो इसे बेहद चमत्कारी होने का दावा करती है। तो आखिर कौन सा है ये मंदिर जिसके सामने बादशाह अकबर को भी सर झुकाना पड़ा था? आगरा के राजा मंडी बाजार में दरियानाथ मंदिर में खुद अकबर चलकर माथा टेकने गया था। जी हाँ, कहा जाता है उस समय आगरा में भयंकर अकाल पड़ा था और उस अकाल से निजात पाने के लिए अकबर उस समय के महंत के पास गए थे। उनके चमत्कार के कारण ही आगरा का सूखा खत्म हुआ था। आगरा के राजा मंडी बाजार में स्थित दरियानाथ मंदिर की स्थापना उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य ने की थी। वही विक्रमादित्य जिनके नाम पर विक्रमी संवत शुरू हुए। दरियानाथ मंदिर में 500 साल से पुरानी बाबा भैरवनाथ की मूर्ति आज भी स्थित है। इसके साथ ही प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति यहां देखने को मिलती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार हनुमान जी की मूर्ति की आयु लगभग 300 साल से भी ज्यादा पुरानी बताई गई है। इसके इतिहास का लेखा आगरा के मशहूर इतिहासकार राजकुमार शर्मा राजे ने अपनी किताब तवारीख ए आगरा में दर्ज किया है। इस मंदिर के पहले महंत दरियानाथ हुए थे जिनके नाम पर ही इस मंदिर का नाम दरियानाथ मंदिर पड़ा है। मंदिर में आज भी उस समय के कई नाथ संप्रदाय के साधुओं की जीवित समाधि मौजूद है। ये घटना उस समय की है जब आगरा में मुगल बादशाह अकबर का शासन काल था। आगरा में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। अकबर के दरबारियों ने कहा कि आगरा के राजा मंडी बाजार में भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर है, अगर उस मंदिर में अकबर शीश झुकाता है तो निश्चित ही आगरा का सूखा खत्म हो जाएगा। ये सुनकर अकबर उस मंदिर की ओर चल पड़े। जब मंदिर के महंत को पता चला कि अकबर उनसे मिलने के लिए आए हैं तो उस मंदिर के महंत उस वक्त एक दीवार पर बैठे थे। जैसे ही महंत अकबर के स्वागत के लिए आगे बढ़े, उनके पीछे पीछे दीवार भी चलने लगी। ये चमत्कार देख अकबर भी अचंभित रह गया और महंत को प्रणाम किया। मेहनत के आशीर्वाद से तुरंत बारिश होने लगी और कहा जाता है कि उस वक्त आगरा का सूखा खत्म हुआ था। वर्तमान समय के महंत दीदारनाथ बताते हैं कि मंदिर बेहद प्राचीन है और चमत्कारी है। इसके साथ ही नाथ संप्रदाय के महंतों की इस मंदिर की देखरेख का जिम्मा है। कई सालों से नाथ संप्रदाय के महंत ही इन मंदिरों की देखभाल और पूजा करते आए हैं। बाबा बालकनाथ के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 14 साल तक खड़े रहकर तपस्या की थी। इसके साथ ही कई ऐसे महंत हुए जिनके चमत्कार के किस्से आज भी प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिया गया है, लेकिन समाधियां और प्राचीन मूर्ति आज भी उसी शकल में मौजूद है। लोगों की इस मंदिर के प्रति गहरी आस्था है। कहा जाता है कि यहां मांगी हुई हर मुराद पूरी होती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।